कभी तुम एसी फर्स्ट क्लास में सफर करो ट्रेन की, और फिर तुम जनरल डिब्बे में सफर करो ट्रेन के, और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ये गरीब क्यों है और ये अमीर क्यों है। तुम एसी फर्स्ट क्लास में अपवाद दोनों जगह हो सकते हैं, अपवाद दोनों जगह हो सकते हैं। यहां तुम सफर करोगे एक कंपार्टमेंट में चार आदमी, कोई मिंट पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, और शायद ही कोई एक दूसरे से बात करे, शायद बहुत ज्यादा हुआ तो सुबह एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। बस बहुत ज्यादा हुआ तो सुबह एक दूसरे को मुस्कुरा दिया, और बहुत ज्यादा हुआ तो गुड मॉर्निंग बोल दिया, बाकी कोई किसी से बात नहीं करेगा। यहां सरस सलील पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, 70 की सीटिंग में 700 लोग बैठे हुए हैं, चार पांच हाथ में एक सर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, गुटखा खा के बगल वाली की जेब में थूक दिए, और यहां गाड़ी चलने के पहले बात होती है और चलते चलते सब एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते हैं, वो जाति कोई भी हो वो रिलेशन बना ही लेते हैं। अच्छा भैया आप सिवान, भैया हम बगल में देवरिया के हैं, भैया हम गोरखपुर के हैं, भैया हम गोड्डा के, भैया बहराइच के हैं, भैया हमारे एक मित्र हैं, तो कहना उचित नहीं है, हमारे साथ पढ़े हैं वो। तो सबसे पहली सरकारी नौकरी उन्हीं की लगी थी बैंक में, तो मेरी कुछ आदतें रही हैं शुरू से, कुछ बहुत बुरी रही हैं, कुछ बहुत अच्छी रही हैं, और कुछ उन बहुत अच्छी आदतों ने मेरा बड़ा भला किया, भगवान का आशीर्वाद बना रहा। तो उनकी नौकरी लगी सबसे पहले, तो यूएन का समझौता था कि जिसकी भी सरकारी नौकरी लगेगी या नौकरी लगेगी वो सारा खर्चा जो एसेसरीज का खर्चा है वो वहन करेगा वो। तो हमारा खाने पीने वगैरह वगैरह का कभी कभी पार्टी वार्टी कर देते थे और ऐसा खर्चा चलता था। पता नहीं कहीं हो सकता बैठकर वो भी सुन रहे हो, या उन्हें कोई ना कोई भेज ही देगा। तो हम दिल्ली में थे, तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक फिल्म की दो मूवी लिया है, दो एक मूवी की दो टिकट लिया है, किसी और को बुलाया था उन्होंने, जिसको बुलाया था वो आया नहीं, जिसको बुलाया था वो आया नहीं, तो वो किसी को ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए यार, तो एक टिकट बर्बाद नहीं होगा और ऐसा अलग से चढ़ जाएगा कि तुमको पिक्चर दिखाए। तो सौभाग्य से हम उनको मिल गए, तो उन्होंने हमसे कहा कि अवध भाई, हमने कहा हाँ, कहे मूवी देखने चलोगे, हम कहे चलो, कौन सी मूवी है, कहे हिस, ने कहा हिस ये कौन सी मूवी है, अरे वो मल्लिका शेरावत जी की एक मूवी आई थी, वो भी बड़ी अच्छी अदाकारा है मल्लिका शेरावत जी, तो उनकी मूवी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि अवध चलो हिस देखा जाए। अच्छा, हमने क्या क्या थीम है मूवी की, अरे बोले अवध थीम वीम छोड़ो, मल्लिका शेरावत ने 17 किसिंग सीन दिए। अरे मैंने कहा भिगमंगे, हमने कहा तुम तो भिगमंगे रही गए जीवन भर, तुम्हारे बच्चे भी रहेंगे, कावद औकात में होश में रह के बात करना, हमने कहा भागो यहां से, हटो यहां से। तुम सोचो किसिंग सीन टीवी पे चल रही है और तुम देख रहे हो, तो मजा आ रहा है, तुम पागल हो। इस दोनों ग्रुप की सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये करने वाली चीजों को सोचता है, प्रेम करना है उस पर सोचना नहीं है, ये सोचता है, ये सोचने वाली चीजों को सोचते हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी। प्रेम करते हैं, तुम भी अपने मन को चेक करो, कहीं ये गलती तुम भी तो नहीं कर रहे, अपनी इसी गलतियों को चेक करने को ध्यान कहते हैं।